हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का एक टॉपिक करेंगे, ओवरव्यू ऑफ सेल। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल्स इन एन ऑनियन पील एंड और ह्यूमन चीक सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप छोटी से छोटी चीज़ देख सकते हैं। ओके, उसमें आप लोगों ने अपने स्कूल में जब प्रैक्टिकल हुआ होगा उस टाइम पे आपने देखा होगा, या फिर अभी आपके होंगे तब आप देखोगे कि वहाँ पे सेल्स होते हैं ऑनियन की। जो हम पील लेते हैं, मतलब पील मतलब एक छोटा सा छिकला सा ले लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम उसमें सेल्स देखते हैं और ह्यूमंस के चीक में देखते हैं। एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब जैसे कि सपोज करो ये सेल है, तो उसके बीच में होता है डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियस। ओके, समझ आ गया। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा न्यूक्लियस, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो कंटेन करता है क्रोमोसोम्स को, विद इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किस में होता है, न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। और क्रोमोसोम होता है वो कंडेंस होता है, क्रोमोसोम मतलब ऐसा, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। ऐसे सेल्स जिनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो बाउंड होती है ना, ऐसे सेल्स जिनकी न्यूक्लियस की, ये जो न्यूक्लियस है उसकी अगर बाउंड्री मेम्ब्रेन के थ्रू लाइन रहती है, हम उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। और जिसमें नहीं होती है, लैक ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब है जिसमें जो न्यूक्लियस की जो बाउंड्री होती है वो बाउंड नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आप समझ गए। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स आर कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है किसमें, यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक दोनों में होता है। ये होता है सेमी फ्लूइड होता है। ये कैसा होता है बच्चों, सेमी फ्लूइड होता है, ठीक है, सेमी फ्लूइड होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और ये दोनों सेल्स में पाया जाता है, हमारे पास दोनों सेल्स होती हैं, ठीक है, मतलब हमारे पास टू टाइप्स की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हमारी बॉडी में जो होता है वो यूकैरियोटिक होता है, ह्यूमंस की बॉडी में जो मिलता है वो कौन सा होता है, यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। और जो हमारा सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल, द साइटोप्लाज्म इज मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल्स। मतलब साइटोप्लाज्म में ही सारे केमिकल्स रिएक्शंस और जो भी जितने भी प्रोसेस होती है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही होती है, और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड जैसा टाइप का सब्सटेंस से रहता है, ठीक है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जैसा। और ये अरीना है, मतलब सारा वर्क यहीं पे होना है, सारी सेलुलर एक्टिविटीज यहीं पे होती हैं। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। जो हमारे सेल के अंदर वेरियस केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो हमारे सेल्स को कैसे रखने में मदद करती हैं, लिविंग स्टेट में। अगर हमारे सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग। हमारा फर्स्ट चैप्टर था द लिविंग वर्ल्ड, क्लास 11th का ही है, द लिविंग वर्ल्ड फर्स्ट चैप्टर। इसमें हमने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म के बारे में, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म भी हमने पढ़ा था, ठीक है। इसमें हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखा था कि हमारे केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं होंगे तो हम कैसे होंगे, एक तरीके से नॉन लिविंग टाइप होंगे। इनसाइड इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। ये आपकी जो बुक में लाइन है ये वाले, इसको मार्क कर लो।
ये हमारे पास सेल है, इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और यहीं पे क्या होता है, डीएनए भी होता है, और जो डीएनए हमारा होता है वो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। सेल जो होती है वो हमारे पास टू टाइप्स की होती है, ठीक है, एक होती है यूकेरियोटिक, और दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक। ठीक है, दो सेल्स होती है यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। इसमें क्या होता है, यूकेरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, या आप अपनी बुक के साइड में ही लिख लीजिए ताकि आप लोग जब रीड करोगे तो बार बार आपको पैराग्राफ रीड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल हम एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं, बिल्कुल एक भी वर्ड मैं आपको एक्स्ट्रा नहीं लिखा रही हूँ। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, लैक आ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ठीक है। समझ गए, लैक ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब यही है कि उसके पास क्या है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो नहीं है, मतलब उनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है न्यूक्लियस के ऊपर। अब हम साइटोप्लाज्म को समझ रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास सेल है, अभी हमने डिस्कस किया था ये न्यूक्लियस है, ये जो ये है ना, ये अंदर ये हमारा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है जो मैं ग्रीन कलर का बना रही हूँ, और इसी के अंदर सारी केमिकल रिएक्शंस एक्टिविटीज़ चलती रहती है जो कि लिविंग स्टेट में हमारा सेल है इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारा सेल तभी लिविंग स्टेट में होगा जब वो केमिकल रिएक्शन कर पाएगा, मेटाबॉलिज्म कर पाएगा। ये क्या होगा ग्रीन कलर वाला, साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेन अरीना ऑफ सेलो एक्टिविटीज़, ये PYQ है, ये कई बार आ चुका है और कई बार पूछते रहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है और मेन अरीना ऑफ सेलो एक्टिविटीज़ है, ये इसके लिए मेन है और आप इसको मार्क कर सकते हो, और ये दोनों में होता है, ठीक है, ये दोनों में पाया जाता है, यूकेरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में, और वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन टू कीप द सेल्स इन द लिविंग स्टेट। ओके, लिविंग स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी है। बिसाइड द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के अलावा जो हमारे यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं, यूकेरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, याद करो, जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जिनमें होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जिसमें वो यूकेरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स, ठीक है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइवोसोम्स, माइकोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स, ठीक है। द प्रोकैरियोटिक सेल, देखो अब किसकी बात हो रही है, प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो रही है, जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना, लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मतलब उनमें ये सब नहीं पाए जाते हैं जो हम अभी यूकेरियोटिक के लिए पढ़ रहे थे, उनमें ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ठीक है, किसमें पाए जाते हैं, सिर्फ यूकेरियोटिक। हम बच्चों जो कुछ पढ़ रहे हैं वो आपकी बिल्कुल डिट्टो बुक का ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ भी अलग से नहीं है, तो आप अपनी बुक खोल कर बैठो, ठीक है, चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ओके, ओपन करके बैठो और साथ में पढ़ो और इसे मार्क ज़रूर कर लेना। राइबोसोम्स, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, राइबोसोम्स ऐसा हमारा ऑर्गेनेल है जिसमें मेम्ब्रेन ही नहीं है, नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस में कि बताओ नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कौन सा है MCQ में, ठीक है, नीट में भी आ सकता है और आता रहता है, ठीक है। बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकेरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी चीज़ें दोनों में मिल रही हैं, है ना, हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म के बारे में जो दोनों में मिल रहा था, ठीक
ठीक है, साइटोप्लाज्म दोनों में मिल रहा था, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में, और हमें राइबोसोम मिल रहा है दोनों में, नॉन मेम्ब्रेन वाला किस में मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है, प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक में. विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनल्स, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स एंड माइक्रोकॉन्ड्रिया और रफ ईआर में. ठीक है, ये याद रखना, ये आ सकता है. एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन, एक दूसरी एक मेम्ब्रेन होती है उसमें भी वो लोग नॉन मेम्ब्रेन रहता है स्ट्रक्चर, सेंट्रोसोम. यस, ये किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में. आप पढ़ोगे सेंट्रोसोम जो होता है सेल डिवीजन में हेल्प करता है. ठीक है, ये इसमें भी नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स में भी मेम्ब्रेन नहीं होती है. अब हम आ जाते हैं माइक्रोप्लाज्मा. माइक्रोप्लाज्मा बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा बहुत इम्पॉर्टेंट है, PYQ. क्यों? क्योंकि ये नीट में आता रहता है, तो इससे दोस्ती करनी पड़ेगी आपको. ठीक है, ये स्मॉलेस्ट सेल है, जो माइक्रोप्लाज्मा है वो स्मॉलेस्ट सेल है, और उसकी जो ये लेंथ है ना, जो येलो कलर से मार्क है, ये इतनी इम्पॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा, ये आती रहती है. तो इसकी लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, 0.3. ठीक है, इसकी लेंथ आपको याद रखनी है. उसके बाद बैक्टीरिया की लेंथ दी गई है 2-3 से 5. ओके, जो हमारा बैक्टीरिया है उसको बताया गया है ये उसके बारे में. ठीक है, अब हम सबकी लेंथ डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारी किस में लिखा है, बुक में लिखा है. माइको प्लाज्मा, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, 0.3. बैक्टीरिया, थ्री टू फाइव, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया. अब लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, ये किसका होता है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच. ठीक है, उसके बाद आरबीसी की दी गई है 7.0. लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल, याद रखना जब लार्जेस्ट पूछे तो ये बताना है आपको. जब भी आपको पूछे लार्जेस्ट सेल कौन सी है ना, लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो आप बोलोगे एग ऑफ ऑस्ट्रिच. लेकिन जब बोले लॉन्गेस्ट, क्या बोले बच्चों, जब लॉन्गेस्ट बोल दें तो आप क्या बोलोगे, लॉन्गेस्ट सेल पूछे तो आप क्या बताओगे, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट, इसी में तुम्हारा एनसीईआरटी का मतलब नीट का क्वेश्चन बन जाएगा. इससे आपका बिल्कुल बहुत अच्छा नीट का क्वेश्चन बनेगा, लार्जेस्ट सेल कौन सा है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच. ठीक है, इससे बहुत अच्छा PYQ बनेगा नीट के लिए, इसलिए इसे याद रखना. और लॉन्गेस्ट कौन सा है, नर्व सेल, नर्व सेल. ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि लॉन्गेस्ट होता है नर्व सेल और लार्जेस्ट होता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच. ठीक है, वैसे तो लार्जेस्ट के साथ आपको एक और वहाँ पे मिलेगा आइसोलेटेड सिंगल सेल साथ में लिखा रहेगा, लेकिन अगर आपको लार्जेस्ट भी पूछ रहा है तो आप समझ जाओ कि लार्जेस्ट मतलब एग ऑफ ऑस्ट्रिच और लॉन्गेस्ट मतलब नर्व सेल. इसी में पूरा खेला खेल जाएगा नीट का. ठीक है, इससे आपको मिलेंगे +4, तो इसे हल्के में नहीं लेना. ठीक है, आरबीसी का देख लिया हमने, लेकिन अभी एक बार बुक देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा पिक्चर्स के साथ. ये देखो 3-5 बैक्टीरिया का है, ये
लार्जेस्ट लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल जो होता है वो एग ऑफ ऑस्ट्रिच का होता है, और ह्यूमन का रेड ब्लड सेल, ह्यूमन का रेड ब्लड सेल का 7.0, लेकिन याद रखना डायमीटर, आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि 7.0 रेडियस होता है, लेकिन आप बताओगे याद रखोगे क्या डायमीटर। जो नर्व सेल्स होती हैं वो लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं, ठीक है। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, दे मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, स्क्वेमस, ठीक है। ये आपको डिफरेंट टाइप की मतलब जो शेप्स है ना वो दी गई हैं यहाँ पे, जैसे थ्रेड लाइक, तो मसल फाइबर, इरेगुलर, WBC, ये इसका मैंने एक एक एग्जांपल आपको बता दिया, ठीक है। द शेप ऑफ सेल मे वेरी विद द फंक्शंस दे परफॉर्म, ओके। बच्चों पहले ये बताओ अभी तक जो मैंने पढ़ा है वो क्लियर है कि नहीं, जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट करके बताओ, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन डाउट ज़रूर पूछ लेना अगर कमेंट बॉक्स में कुछ भी डाउट हो तो। ये रेड ब्लड सेल, ओके, रेड ब्लड सेल यह बाईकॉनकेव है, ठीक है। ये जो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना कुछ इस टाइप का, आपको रेड कलर में ये ऐसा आपकी RBC बनी हुई है ना, यह बाईकॉनकेव, कैसी है बाईकॉनकेव, और ऐसी किस में देखने को मिलती है, ये मैमल्स में देखने को मिलती है, मैमल्स जैसे कि हम लोग में देखने को मिलती है, समझ गए। ऐसे राउंड भी होती है और ऐसी भी होती है, ठीक है, लेकिन हम में कैसी पाई जाती है, मैमल्स में बाईकॉनकेव पाई जाती है। यह हमारी वाइट ब्लड सेल, ठीक है, WBC है ये हमारी, और ये हमारी कोलमनर एपिथेलियल सेल, लॉन्ग एंड नैरो, ये आप देखिए। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे समझो, ये आपके पास डायग्राम बना हुआ है बुक का, ठीक है, ये है कुछ कुछ इस टाइप का है ना, फिर से ड्रॉ करते हैं। ये रहा आपका कुछ कुछ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये इस टाइप का कुछ कुछ बना हुआ है, ठीक है। बताओ इसको क्या बोलेंगे, ये है माइक्रोविलाई, ये क्या है बच्चों, माइक्रोविलाई है, ये लिखा हुआ है मैंने ऊपर माइक्रोविलाई, ठीक है। ये ब्रश बॉर्डर है, और ये कहाँ पे पाई जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है, ठीक है। देखो जहाँ पे बिल्कुल ऐसे ऐसे पतली पतली डंडी सी खिंची हो, इसको बोलते हैं सिलिएटे, ये होती है फिलोपियन ट्यूब में, किस में होती है, फिलोपियन ट्यूब में होती है, और ये सिलिएटेड होती है। ये आपकी बुक में डायग्राम नहीं बना है, ठीक है, लेकिन ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आपको कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर से कनेक्ट करती है, और आप किसकी तैयारी कर रहे हो, नीट की, तो आपको सारे चैप्टर्स को बच्चा कनेक्ट करके पढ़ना है, तब आप अच्छे से समझ पाओगे और सारे PYQ कर पाओगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस आप जैसे अगर किसी का मॉड्यूल वगैरह सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस दूसरे दूसरे चैप्टर्स के भी होते हैं, क्यों, क्योंकि वो उसमें मिल रहे होते हैं, मैच कर रहे होते हैं, तो उसमें भी वो PYQ दे देते हैं, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं लॉन्गेस्ट सेल, नर्व सेल, हमने देखा था ना लॉन्गेस्ट सेल होता है वो कौन सा होता है बच्चों, नर्व सेल होता है हमारा, ठीक है। बिगेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ा सेल ह्यूमन बॉडी में वो भी कौन सा होता है, नर्व सेल, और ये जो आप इतना एरिया देख रहे हैं साइटोन है, ठीक है। यह मीजोफिल सेल, राउंड एंड ओवल, ठीक है। एक चीज़ उसमें इंटरेस्टिंग है देख लो, वो भी C3 और C4 में मिलता है ये, ठीक है, और ये पार्ट ऑफ जाइलम है, किसका पार्ट है बच्चों, पार्ट ऑफ जाइलम, ये पार्ट है जाइलम का, इसका मतलब जाइलम किससे रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड, तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, तो इसका वर्क क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ये हमने अभी अभी क्या देखे सारे, ये सारे बच्चों जितने भी हम ये डायग्राम देख रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ये सब आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ
सेल्स हैं, ठीक है। डायग्राम शोइंग डिफरेंट शेप्स ऑफ द सेल, ये हमने आरबीसी पढ़ा, डब्ल्यूबीसी पढ़ा, ठीक है, ये हमने कुलमनर पढ़ा, एपिथीलियम सेल्स पढ़े हमने, नर्व सेल पढ़ लिया और बहुत सारे सब कुछ। देखो ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में हेल्प करता है हमारी कौन, जाइलम, क्यों, क्योंकि ये जाइलम का पार्ट है ना, और ये C3 C4 में मेसोफिल सेल्स रहते हैं, ठीक है, राउंड एंड ओवल। यहाँ तक बच्चों किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। आप लोगों को इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था साइटोप्लाज्म वाला पार्ट, ठीक है, जिसमें कि वो क्या बता रहा था, मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ और सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, ये वाली बात इम्पॉर्टेंट थी, बुक में मार्क कर लेना। दूसरी बात ये कि जो सेंट्रोसोम्स होते हैं और राइबोसोम्स होते हैं वो नॉन सेलुलर होते हैं, ठीक है, और साइटोप्लाज्म और राइबोसोम्स दोनों में पाए जाते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। अब सबसे मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट PYQ जो आता रहता है वह माइक्रोप्लाज्मा के ऊपर है, ठीक है, वो स्मॉलेस्ट सेल होता है और उसकी लेंथ होती है 0.3, ये आना ही आना है, ठीक है। लार्जेस्ट की बात करें तो एग ऑफ ऑस्ट्रेस, लॉन्गेस्ट की बात करें तो नर्व सेल, और नर्व सेल के बारे में एक एक्स्ट्रा नॉलेज ले लीजिए कि हमारी ह्यूमन बॉडी का ये बिगेस्ट सेल होता है। तो बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चा पार्टी, एंजॉय करो, ठीक है, बहुत सारा एंजॉय करो और इसको अच्छे से रिवाइज करो। बिल्कुल सोच लो कि आपको नीट 2024 में सेलेक्ट होना है, ठीक है, चिपका लो दीवार पे कि नीट, सिर्फ नीट मत लिखो, लिखो कि मैं नीट में 2024 में सेलेक्ट हो जाऊँगा, क्योंकि नीट तो हर साल होती है ना, तो ये 2024 मेंशन करो, प्रैक्टिस करो, बिल्कुल लाइन बाय लाइन अपनी बुक की रीड करो, ठीक है, एकदम लाइन से लाइन पढ़ो, क्योंकि सिर्फ सेम, अगर बायो की बात की जाए बच्चा तो बायो के लिए सबसे अच्छी बुक है, मतलब नीट के लिए सबसे अच्छी बुक बायो की वही है जो आपके स्कूल में लगती है NCERT वाली, ठीक है, तो उसको आपको अच्छे से करना है, उसके डायग्राम्स करना है, उसकी लेबलिंग करनी है, एक एक लाइन, एक एक चीज़, एक एक वर्ड आपको अच्छे से करना है, रीड करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रीड करना है, समझना और PYQ लगाना है। बच्चे क्या करते हैं, समझ लेते हैं लेकिन PYQ नहीं लगाते हैं, तो आपको क्या करना है, PYQ लगाना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।